वेलकम बैक। आज का टॉपिक यही रहेगा कि आप लोग अपने माता पिता का अनुभव सुने, आपके माता पिता क्या कहते हैं, किस बारे में क्या कहते हैं, उनको कितना नॉलेज, वो अनुभव उनका, जहाँ पर हम लोग का ये बात एकदम फैक्ट होता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे आप जो है 18 क्रॉस कर चले जाते हो उम्र में, 18 प्लस ऊपर हो जाते हो, तो अनुभव बहुत बड़ा एक हथियार का काम करता है, वेपन का काम करता है। बिकॉज वो भले से आपसे बुकली नॉलेज में वो जो है आप कितना नहीं जानते हैं, अदरवाइज जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, ये चीज़ें मायने नहीं रखता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप अपने लाइफ में उनके साथ बैठें और वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनें, फिर उस पर ऑब्जर्व करें कि ये क्या माता पिता जो बातें बता रहे हैं वो परमानेंट इस बात को गवाही देता है, बताता है कि आपके माता पिता का अनुभव भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बिकॉज ये आपका 21वीं सेंचुरी चल रहा है, तो 21वीं सेंचुरी में बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां गार्जियंस हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड हुए, अदरवाइज आपके क्लासमेट हुए, कहीं भी, चाहे जॉब से लगाए सर्विस सेंटर तक जो आप पहुंचिए, अदरवाइज गवर्नमेंट सर्विस जो है आप कहीं तक पहुंचते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का एक विशेष बड़ा महत्व ये होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, न सुन पाना या न ध्यान से देख पाना, क्योंकि इस समाज में बहुत से ऐसे अच्छे लोग पड़े हुए हैं और इतने बुरे लोग पड़े हुए हैं आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन सब विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए जो है बड़े अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे जो है आपको यदि थोड़ा डाइवर्ट करना चाहेंगे ना तो बहुत सही डाइवर्ट कर देंगे, आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं वो आपके लिए एक तरह का एक वायरस का काम करेगा, यानी निगेटिव पॉइंट का काम करेगा, डेट मीन्स पॉइजन का काम करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, माता पिता क्या करें उनकी बातों को सुनिए, उनके बातों को रिस्पेक्ट दीजिए कीजिए, ठीक है, आपके माता पिता आपके लिए हमेशा सदैव खड़े रहेंगे, लेकिन आप उनकी नज़रों में एकदम नंबर वन स्टूडेंट्स, नंबर वन बालक या बालिकाएँ, लड़के या लड़कियाँ बने रहिए, तभी आपके लिए एक स्वच्छ स्थान प्राप्त होगा। हर कोई माता पिता चाहता है कि उसके लड़के आने वाले लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, उनकी लाइफ जो है माता पिता की लाइफ से 100 गुनी अच्छा हो। हर कोई गार्जियन चाहता है, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमारा लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बीते, वो लाइफ अच्छे तरीके से कैसे बीतेगा ये सब चीज़ें आप जब जानेंगे समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि लिसन योर गार्जियंस व्हाट इज द टॉकिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस, कि उनके एक्सपीरियंस क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपके पड़ोसी हैं, कैसे आपके जो है बॉन्डिंग हैं, कैसे आपके अगल बगल वाले हैं, कैसे रिलेशन वाले हैं और कैसे कौन क्या है, ये एनालिसिस आप जो है अपने खुद भी कर सकते हैं, माता पिता के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं उन शुभचिंतकों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगला किस कैटेगरी का ह्यूमन है या उसकी नेचर क्या है, ठीक है, या उसकी जो है वेलबीसर क्या हमारे लिए नुकसानदायक का काम है, अदरवाइज अच्छे अच्छी चीज़ों के लिए काम है। सो इस बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप बढ़िया से पढ़ाई करें, स्टडी करें, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग को बार बार ये सजेस्ट किया जाता है, आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस वाले बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है, बताया जाता है लाइफ को लेके कि इतनी चीज़ें जो हैं उनको ये इस बात पे फोकस करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बच्चे जो है जब हम लोग जो है सर्वे करते हैं तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाता है कि बच्चे कहाँ पर कितना मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कौन लड़कियाँ कौन लड़के जो है मिस्टेक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो आपको समझना चाहिए, क्यों, इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें और आपको समझना चाहिए, और इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो है हमें क्या करना क्या नहीं करना, हमें लाइफ में अपने कैसे एक सेटल होना है, जो हम 50,000 महीने या 75,000 महीने या लाख पर मंथ कमा सकें और जिससे हम लोग की नेम हेल्थ वेल्थ ये सब पूरी चीज़ें जो है आपका नाम प्रसिद्धि वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आप एक अच्छे से लाइफ आप स्पेंड कर पाएँ। तो
तो आप इन सब बातों को ध्यान रखें, अपना पढ़ाई अच्छे से करें, टाइम टेबल क्रिएट करें, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, अगला क्या कर रहा है, कोरोना क्या कर रहा है, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, तभी आपकी लाइफ अच्छी लाइफ होगी। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, गुड नाइट।